हेलो गाइस, कैसे हो? आई होप सब अच्छे ही होंगे और सबके लिए वेरी वेरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि आज मैं दोपहर से वीडियो शूट कर रही हूँ और लंच से ही स्टार्ट किया है मैंने। सुबह का मेरा सारा काम फिनिश हो चुका है गाइस, और टाइम हो रहा है लगभग 11:30 बजे का। तो मैं अब लंच बनाऊंगी और आपके साथ मैं गट्टे की सब्जी की रेसिपी शेयर करूंगी, जो कि बेसन से बनाई जाती है और राजस्थान की एकदम पारंपरिक और फेमस डिश है, जो कि मैं आपके साथ फुल रेसिपी शेयर करूंगी। और देखना मैंने किस तरह से बनाई है, और मुझे भी बताना कि आप लोग किस तरह से बनाते हो, तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि कैसी बनी और किस तरह से आप बनाते हो, वो भी ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। और मिलती हूँ थोड़ी देर बाद गाइस, बाय बाय। सो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ गट्टे की सब्जी। ये देखो पूरा किचन मेरा फैला पड़ा है और तैयारी कर रखी है मैंने। तो ये लिया है मैंने 300 ग्राम कम से कम बेसन, 300 के ग्राम ही होगा क्योंकि मैंने एक कटोरी लिया है। और इसमें डाला है हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, कसूरी मेथी और मतलब आधा, ये छोटी सी चम्मच है तो मैंने इसको आधा चम्मच अजवाइन डाली थी और इसे अच्छे से मल लूँगी मैं। 2 चम्मच इसमें अभी ऑयल भी डालूंगी ताकि इससे सॉफ्ट बने रहेंगे और इसमें जो हार्ड हो जाते हैं वो नहीं होंगे। और गाइस, मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है बताना ज़रूर। और ये मैंने 3 चम्मच दही डाला है, और ये खट्टी नहीं है दही, घर की दही है, अच्छी मतलब मीठी दही है। और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ों को। ये 5 मिनट तक मैंने खूब अच्छे से नीट करा है, ये देखो कितना सॉफ्ट सा एक डो बन गया है। और ये सॉफ्ट होना चाहिए लेकिन पतला होना ना चाहिए कि एकदम बह रहा है। बहने वाले से आटे से बनाओगे तो ये हार्ड हो जाएंगे, गट्टे जो होते हैं हमारे हार्ड हो जाएंगे। ये देखो मेरा बहुत सॉफ्ट सा एक डो बना के मैंने रेडी करा है। और उसके बाद मैं इसको रोल बना लूँगी, जो कि मुझे गट्टे काटने हैं। जिससे पहले तो मैं रोटी जैसी लोइयाँ बना लूँगी इसकी, आटे की, और उसके बाद मैं इसके रोल बना लूँगी। और गाइस, बताना ज़रूर कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है और कौन कौन सी न्यू रेसिपी मैं ला सकती हूँ, ज़रूर मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ताकि मैं आप सबके फरमाइश पे कोई भी रेसिपी लाने को तैयार हूँ। तो बताना ज़रूर कौन सी रेसिपी अगर मुझे बनाने आती होगी तो मैं आपकी फरमाइश ज़रूर से ज़रूर पूरी करूँगी। और आप लिखना कि मैं मुझे क्या डालना चाहिए अपनी वीडियो में। ये देखो इसके मैं रोल बना लूँगी, ऐसे पतले पतले से रोल बना लूँगी, ज़्यादा मोटे नहीं रखूँगी नहीं तो वो। A few moments later. अब जो अब नहीं करती है तो वो अच्छे नहीं लगते हैं, सूखे सूखे से हो जाते हैं। और ये मेरा पानी उबल चुका है बहुत अच्छे से, इसमें डाल दूंगी 2 चम्मच, मतलब 2 चम्मच तो नहीं डाला है, 1 ही चम्मच डाला, ऑयल डाला है ताकि ये आपस में हमारे गट्टे चिपके ना। और इसे कम से कम मैं 10 से 12 मिनट बॉईल करूंगी, और जब ये बॉईल हो जाएंगे अच्छे से तब ये पानी के ऊपर तैरने लगेंगे और पानी का कलर चेंज हो जाएगा। एक एक करके सभी डाल देने हैं, एक साथ नहीं डालने हैं, नहीं तो पानी का टेम्परेचर कम हो जाएगा और हमारे गट्टे फट सकते हैं। तो प्लीज़ एक एक करके ही डालें और पानी को हल्का बॉयल आता रहना चाहिए। ये देखो 10 मिनट बाद मेरे गट्टे का भी कलर चेंज हो गया है और पानी के ऊपर तैर रहे हैं सभी गट्टे। इसका मतलब ये है कि अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, और मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी और ठंडा होने के लिए रख दूँगी। और उससे पहले करूँगी ग्रेवी बनाने की तैयारी। मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर, उसमें डाल दिया है जीरा और थोड़ा मस्टर्ड ऑयल, मैंने इसमें हल्का ज़्यादा ही डाला है। और ये अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट डाला है, ज़्यादा प्याज नहीं ली है मैंने, केवल 1 बड़ी प्याज ली थी क्योंकि बहुत ज़्यादा ठीक ग्रेवी नहीं बनानी है मुझे। और हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर, गरम मसाला पाउडर, ये मिक्स है मेरा, दोनों मैंने पीसा था घर पे ही। और ये है लाल मिर्च पाउडर, और इसे अच्छे से भून लूँगी मैं। चाहे तो आप कसूरी उसका कश्मीरी लाल मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैंने घर पे पिसी हुई लाल मिर्च ही डाली है। और इसको अच्छे से मैं भून लूँगी,
इसमें डाल दूंगी स्वाद के अनुसार नमक, जितना आप लोगों को पसंद हो उस हिसाब से डालना। और नमक मैंने गट्टे में भी डाल रखा है तो बहुत ज़्यादा नहीं डालूंगी। और दो टमाटर की ग्रेवी, मतलब दो टमाटर पीस के डालूंगी इसमें। मैंने वो डालते समय दिखाए नहीं, दो टमाटर डाले थे, दिखाए क्या नहीं, भूल गई थी मैं। और इसमें डाली है मैंने 3 चम्मच दही, केवल 2 ही टमाटर डाले थे मैंने पीस के, और वो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी उस समय, तो सॉरी उसके लिए। और टमाटर काट के नहीं डाले थे, पीस के ही डाले थे मैंने। और इसे दही डालने के बाद बहुत अच्छे से हिलाना है, ना कि ताकि हमारा दही फटे ना, नहीं तो हमारा दही फट जाएगा अगर हम नहीं हिलाएंगे इसे तो। और हिलाते हुए ही इसमें बॉयल लेके आना है, देखो मेरा आने लगा है। और सारा तेल भी जो ग्रेवी का है वो ऊपर आ जाएगा। और ये मैं गट्टे भी कट कर ली हूँ, जो कि मेरे ठंडे हो चुके थे, मैंने बारीक बारीक काट दिए हैं। और ये पूरा ऑयल ऊपर आ गया है, तो मैंने डाल दिया इसमें सभी गट्टे। और बहुत टेस्टी सब्जी बनी थी गट्टे की, आप लोग ज़रूर ट्राई करना एक बार। और उसके बाद मैं इसमें वही पानी यूज करूँगी जिसमें मैंने गट्टे बॉयल किए थे, वही पानी रखा हुआ है। और वही देखो मैंने डाल दिया है, थोड़ा और डाल दूँगी, कम है अभी। और ये 8 से 10 मिनट इसे गैस पे ही रख रहने दूंगी, पहले फुल पे रखूंगी फिर कम कर दूंगी जब थोड़ा हल्का बॉईल आ जाएगा इसमें तो। और एक तरफ मेरे कुकर में चावल बनना है, खाने की तैयारी कर रही हूँ मैं, क्योंकि दोपहर का वीडियो है। और ये मेरा बन के रेडी हो गए हैं गट्टे, मैंने डाल दिए इसमें कसूरी मेथी, और बहुत ही अच्छी ग्रेवी लग रही थी इसकी। और मैं निकाल के कढ़ाई से पैन में कर दूंगी, क्योंकि कढ़ाई में तो सब्जी गिरने का डर रहता है। और एकदम रेडी हो गई है मेरी सब्जी, ये देखो कितनी अच्छी बनी है। और मैं बना रही हूँ रोटियाँ, तो गाइस आ जाइए आप लोग भी लंच करने, हम लोग लंच कर रहे हैं। और लंच का ही वीडियो है ये, पूरा दिन का नहीं है, केवल लंच लंच का ही है। मैं खाना निकाल दूंगी और इसके साथ निकालूंगी नींबू का अचार, जो कि मैंने बना रखा था। और सब्जी, रोटी, सैलेड, और आप लोग भी आ जाइए प्लीज़ लंच करने, देखो कितनी टेस्टी सब्जी बनी है। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जितने भी मेरे न्यू दोस्त हैं प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना चैनल को। और आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि मेरी रेसिपी कैसी लगती है आप लोगों को, और अपने दोस्तों में शेयर करना प्लीज़ प्लीज़। सभी लोग मेरा साथ दें और मेरा हेल्प करें। और ये रख दिया मैंने खीरा और प्याज, मेरा खाना एकदम रेडी है, बस आज इतना ही बनाया लंच में जो भी है। पहले मैं भाई को दे दूँगी, वो बैठा है अंदर खाने को, भूख लगी है उसे, ये देखो सोया पड़ा है, लेटा पड़ा है, कह रहा खाना दो जल्दी से। और उसके बाद मैं फ़ोन चला रही थी और खाना खा रही थी, तो बच्चों ने मुझे भी कर लिया था कैप्चर कैमरे में। मैं किसी की एलवी में थी इस समय, तो एलवी ज्वाइन कर रखी थी। और मैं गई हूँ बाहर बैंगन तोड़ने, क्योंकि शाम को मुझे सब्जी बनानी है। 2 बैंगन लगे थे खूब बड़े बड़े से, वही तोड़ने गई तो हर्षू ने, वो भी कैमरा लेकर मेरे पीछे पीछे चला गया बेटा, तो वो भी कर लाया। देखिए बहुत बड़े बड़े बैंगन थे, और 2 की सब्जी काफ़ी हो गई थी हमें शाम को। ये देखो मैं तोड़ रही हूँ, और एक ही पेड़ है बैंगन का, यहाँ पे 2 पेड़ हैं हाँ, लेकिन काफ़ी बैंगन निकलते हैं रोज, 3रे 4थे दिन इसमें 2-3 बैंगन, देखो कितने बड़े बड़े से बैंगन निकले हैं, और कितना हरियाली हो रही है। ये कई दिन से बारिश हो रही है ना, तो प्लॉट में एकदम हरा भरा हो गया है।